वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आ गया एक नई वीडियो के साथ। गाइस आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो गाइस आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ। आज मैं आपको एक अंकल से मिलाने जा रहा हूँ जो कि हमारे बीच में थे, लेकिन हम उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे। पर आज आप देखें तो यूट्यूब पर वो ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी जिनमें उनके 8 मिलियन व्यूज़ जा रखे थे। सो मैंने सोचा क्यों ना अंकल की वीडियो बनाई जाए, अंकल से बात किया जाए, अंकल का नीचे कैसे आपको पता लगे। सो मेरे लिए हमारे साथ गाइस फाइनली मैं आ गया स्टेशन के पास, और मेरे साथ हैं ये दो जने। एक है ये सूरज लोग, इसका भी पहले चैनल था यूट्यूब पर। सो मिलते हैं आपको आगे। गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे इंद्र प्लेस मार्केट के अंदर। सो फिर आपको दिखाते हैं आगे का सीन। सो बने रहिए हमारे चैनल पर। यहाँ पर आ तो गए, पर अभी मनोज भैया कहीं दिख ही नहीं रहे। हमें रूटते रूटते परेशान हो गए हैं। सो देखते हैं अभी मिलते हैं। सो बने रहिए हमारे चैनल पे। गाइस फाइनली मनोज भैया आ गए बहुत देर के बाद, पर कोई नहीं, चलो आइए उनसे मिलते हैं आप। बाजरा है कुछ, पानी भी ठंडा लाया हूँ, ऐसी बात नहीं है। देख सकते हैं अंकल बाजरा भी लेके आते हैं कबूतरों के लिए। तो आप सोच सकते हैं मतलब कि अंकल जानवरों से कितना प्यार करते हैं। तो खड़ा हुआ पीछे कर लो, अभी खड़ा हुआ कहाँ पीछे कर लो यार, सब आदमी परेशान है। मैंने खाएगी बस कर लिया। सो गाइस फाइनली आ चुके हैं अंकल के पास, जैसे कि देख सकते हैं आप अंकल भी यहाँ पे। तो अभी मिलते हैं, अभी खाते हैं कुछ यहाँ पे। पीछे चला जा रहा हूँ, कितना पीछे जाएगा धूप। कोई गरीबी नहीं है, ज्ञान नहीं है तो गरीबी गरीबी है। ज्ञान का मतलब आपको पढ़ाई लिखाई एजुकेशन जिस फील्ड में आप हो वो जरूरी। हाँ अनिल भाई इटली की आप 4 घंटे खड़े हो जाओ, 6 घंटे खड़े हो जाओ, ना भूख प्यास कुछ नहीं लगेगी, क्योंकि दूसरे की मदद करने के लिए आए, शरीर को ताकत मिलती है। बहुत कुछ करके देख लिया, लाओ पानी पिलाओ, पानी पिए थोड़ी देर, उसको कुछ छाता लगाएंगे। अंकल आपने कॉलेज कह रहे हैं? नहीं कॉलेज नहीं है, मैंने एजुकेशन लिया, मैं 9th तक फेल। और जो उन्होंने इंस्टाग्राम में डाला जमजम इंडिया वालों ने, मनीष भाई थे वो, शादरा में रहते हैं वो, बहुत उन्होंने 10 दिन के अंदर ही अंदर, फिर उसके बावजूद एक और आए 25 जनवरी को, उसी दिन गौरव जी आए थे। मतलब आप ये कह दो कि गौरव जी और वो जमजम इंडिया के बाद में आए हैं, वो समझ लो आप पहले ही थे। उन्होंने बनाई दूसरी बार, लेकिन जो उनके साथ में 23 जनवरी को बनी थी वो गौरव जी ने बनाई, उससे 10 दिन पहले ये यमय मीडिया वाले, वो लड़का है मनीष, उससे दोबारा बात भी नहीं हुई। फिर आया था एक बारी अपनी किसी दोस्त के साथ में, उसने भी एक बार दो बार बनाई है। ठीक है ना, हर रोज अलग अलग सब्जी होती है। हाँ बेटा हर रोज, कल कड़ी थी जैसे, आज शाही पनीर लाने वाला था लेकिन नहीं ला पाया, ठीक है अब कल को लेके आऊँगा, कल लाऊँगा या परसों लेके आऊँगा। कल तो छोले सोच रहा हूँ लाने के लिए, या दाल मखनी लाऊँगा, दाल तो नहीं लाऊँगा क्योंकि दाल आज ले आया, तो कल छोले या राजमा। एक बार अंकल रेट भी बता दो सबको, कितना रेट है? 40 रुपये का 4 रोटी रहता है बेटा, जिसमें 2 सब्जी रहता है। हाँ, और अगर चावल वाला पैक कराएंगे तो वो 40 वाला पैकिंग है, जिसके साथ में क्या नाम कहते हैं दाल या गीली सब्जी देते हैं बस। और टाइमिंग अंकल? टाइमिंग 11:30 बजे से 4-4:30 बजे तक रहता हूँ, 5 भी बज जाते हैं। अभी रात का काम मैंने चालू कर दिया था, रात का काम बंद करके रखा अभी 2-3 दिन से, वो क्योंकि अभी
लेबर आ रही है, लेट सवेर आ रही है, ईद चल रही है ना, तो ईद से पहले या ईद के बाद मैं रात वाला दोबारा से चालू कर दूंगा। अभी मैंने चालू कर दिया था नहीं 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 हीरोस टावर से। बेटा आलू आलू डाला है, टमाटर डाला है, मटर डाला है, जीरा डाला है, सोयाबीन डाली है। मतलब डेली अलग अलग रहता है, मतलब नहीं चावलों का तो यही रहता है, ऐसे ही रहता है चावल। सब्जी में अलग होता है? हाँ सब्जी में कुछ ना कुछ अलग रहता है। कल कड़ी थी, हाँ आलू शिमला मिर्च थी, तो ये गुड़ भी है बेटा, मैं मीठा भी रखता हूँ थोड़ा सा खाने के बाद में। ये आजकल तो आपने बर्फ़ भी रखनी थी? नहीं आज तो नहीं है, अब तो बर्फ़ तो इसके रायते के लिए लेके आया हूँ। बाकी तो क्या नाम कहते हैं, पानी ठंडा मैं इसमें रखता हूँ फ्रीजर में, एक गर्म रहता है एक ठंडा रहता है। अजवाइन डाला है, जीरा डाला है और कस्तूरी मेथी डाली हुई है, बगैर प्याज के बनाया हुआ है। ठीक है जी, एक दूसरा डिब्बे में भी है। ये चावल है बच्चे, जिसके अंदर आलू है और हरी मिर्च है, टमाटर है और क्या नाम कहते हैं जो है जीरा है सर। ये बेटा आलू आलू शिमला आलू मटर की सूखी सब्जी है बेटा, ये भी बगैर प्याज की बनी हुई है, इसमें भी हींग और जीरा डाला हुआ है। अजवाइन डालते नहीं आप? हाँ जी नहीं प्याज नहीं डालता। ये बेटा रायता है जिसके अंदर प्याज डाला, हरी मिर्च डाली है, आज वो नहीं डाला धनिया, और काला नमक डाला है, जीरा भून के डाला है। 40 रुपये का चार रोटी है। हाँ जी सर आप बोलिए। 40 वाला पीस सर। आप भी खाना खाते हैं? बढ़िया लगा भाई, खाना बढ़िया लगा। अभी हम भी खाना खाते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसा है। रहिए मतलब अभी हमने ले लिया है खाना, ये सब चीज़ें। सो अभी आपको टेस्ट करके बताते हैं कि अंकल ने खाना कैसा बनाया है। तो बने रहिए हमारे साथ चैनल। भाई दाल चावल और सब्जी भाई माशाल्लाह, जरूर भाई एक बार आके खा के जाओ। जो मतलब जो एक बार आए मतलब खा के जाए। और भाई आपको कैसा लगा खाना? बहुत सही था, तगड़ा दाल रोटी सब्जी सब, अभी रायता भी मिलेगा अभी, वो भी वो तगड़ा था कुछ भी। तो भाई जैसे कि आप देख रहे हैं कि सबको खाना बहुत अच्छा लगा, सबका यही कहना है कि जो नेहरू प्लेस भाई खाना खा के इतना मज़ा आया कि आपको कह नहीं सकता। इतना बढ़िया खाना था कि आप नेहरू प्लेस कभी भी आए तो एक बार खाना जरूर खाना। बिल्कुल सामने ही नेहरू प्लेस जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से अंकल की दुकान भी स्टार्ट होती है, देख सकते हैं क्या बेहतर। तो मिलते हैं आपको आगे।